नमस्कार, राधे राधे। मैं कन्हैया पांडे, वृंदावन से। कन्हैया शास्त्री मुझे लोग बोलते हैं, लेकिन आप लोगों के मैं दास हूँ, आपके घर के मैं बेटा हूँ। इस समय बहुत ही विचलित महामारी चल रही है, जिसके वजह से पूरा देश नहीं, पूरा विश्व ही संक्रमित हो रखा है और पूरा विश्व का अर्थशास्त्र चौपट है। और मैं आप लोगों से, हावड़ा वासियों से खास करके मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वृंदावन धाम के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप सेवा करना बंद करें। सेवा करें, लेकिन सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें, क्योंकि सरकार बार बार इंडिकेट करती है। सरकार इसलिए इंडिकेट कर रही है आपको, इसमें सरकार क्या कर सकती है? सरकार इससे ज़्यादा क्या कर सकता है? पुलिस को मारना, डॉक्टर को मारना, जो कर्मवीर योद्धा हमारे लिए खुद अपने परिवार को छोड़ करके मेरे लिए दिन रात सेवा कर रहे हैं, मुझे बचाने के लिए हर पल प्रयास कर रहे हैं, हम उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, हम उनको घर से भगा रहे हैं। प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, मैं हावड़ा में नहीं हूँ इस समय, लेकिन मैं हावड़ा का समाचार सुन करके मैं बहुत ही हृदयाघात हो रही है, मैं बहुत दुख है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। प्लीज़, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। माता बहन भाई बहनों से सबसे मैं निवेदन करता हूँ, बुजुर्गों का बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय सब्जी ना लेने जाएं। क्या जरूरत है सब्जी की? आपकी ज़िंदगी रहेगी तो 56 भोग खा सकते हैं ठाकुर जी की कृपा से। क्योंकि सबसे बड़ी कारण क्या है, हम सब्जी के बहाना, हम दूध के बहाना, हम बटर और पनीर के बहाना, न जाने इस महामारी में, सोचो दुनिया त्रस्त है, दुनिया त्राहिमाम कर रही है, हम इस समय वृंदावन में हैं, हमारे साथ तमाम ऐसे संत हैं, तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं जो बाहर से यहाँ आकर के पढ़ने वाले लोग हैं, आज उनके साथ धर्म संकट है। लेकिन फिर भी मैं ऐसे ऐसे विद्यार्थियों से मैं बात कर रहा हूँ, जो विद्यार्थी ये बोल रहे हैं, भाई साहब मैं तो नमक और रोटी खा लूँगा, क्योंकि हमें ज़िंदगी प्यारा है और हमें हमारा देश प्यारा है, हम भारतवासी हैं। प्लीज 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 मैं निवेदन कर रहा हूं, आप लोग किसी भी बहाना को बना करके बाहर ना निकलें, घर में रहें। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये समर्थन बहुत बड़ी चीज है। हम जनता अगर अपने नरेंद्र मोदी का नहीं, नरेंद्र मोदी तो एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सत्ता पे राजा हैं, लेकिन मैं आदरणीय, कोई राजनीतिक मैं इसमें कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ। मैं समाचार सुन करके बहुत दुखी हो रहा हूँ, क्योंकि राज्य सरकार भी कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है, लेकिन हम और आप छिटपुट लोग ये बोल रहे हैं, छिटपुट सामान लेने के लिए मैं नीचे उतर जाता हूँ। क्यों उतरते हो साहब, क्यों उतरते हो, क्यों उतरते हो? वो सब्जी बेचने वाला, वो दूध बेचने वाला कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है? लेकिन मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, ये कसम खाओ, अपने बच्चों की कसम खाओ, अपने परिवार का चेहरा देखो। महिलाओं के पास ऐसा बहुत सारा साधन है, महिलाओं के पास ऐसा बहुत सारा साधन है कि सब्जी नहीं मिलेगा तो बहुत सारा आइटम है जो घर में बनाया जा सकता है। चने की सब्जी बना लो, पापड़ की सब्जी बना लो, दूध मिल रहा हो, दूध अगर पैकेट का दूध अगर नहीं ले सकते हो आप, एक बार पाउडर वाला पैकेट डब्बा की दूध घर में रख लो, उससे यूज करो। बस यही सोचो कि मैं तपस्या कर रहा हूँ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए भी नहीं, अपने देश के लिए। अगर देश रहेगा तो हम रहेंगे, हम रहेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। प्लीज़ प्लीज़, हावड़ा के लोगों और हमारे जन्मभूमि सासाराम से भी ऐसा खबर आ रही है, इसलिए मैं सभी से, देशवासियों से मैं अपील कर रहा हूँ, हावड़ा वालों से खास करके, क्योंकि हावड़ा में मैं वीडियो, हावड़ा की वीडियो मेरे पास आ रही है, मैं निवेदन कर रहा हूँ ठाकुर जी के नगरी से। मैं आप लोगों की सुखद कामना के लिए ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना कर रहा हूँ, वृंदावन धाम से प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं भी इसी लॉकडाउन में फंसा हूँ, मैं भी फंसा हूँ, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ फंसा हूँ। मेरा जो ये कैमरामैन जो वीडियो बना रहा है विद्यार्थी, इसके पास 100 रुपए नहीं है, आप सोचो कैसे ये विद्यार्थी अपने जीवन को काट रहा है। लेकिन माँ बहन भाई, प्लीज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप घर में रहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, घर से जाइए मास्क लगा के जाइए, घर में आइए अपने हाथों को सॉप से हैंड वॉश कीजिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, लेकिन अपने बच्चों की जिंदगी के लिए आप कमाते हैं, अपने परिवार की जिंदगी के लिए आप कमाते हैं, अपने घर में अपने 2 पैसा धन को इकट्ठा करने के लिए आप कमाते हैं, लेकिन वो तभी होगा जब आप सुरक्षित होंगे। प्लीज मैं हावड़ा के लोगों से अपील करना चाह रहा हूँ कि प्लीज आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। राधे राधे, नमस्कार। सभी की शुभ कामना के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि आप शांतिपूर्ण से इस कोरोना जैसे महामारी में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।